ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था धोखा मुश्किल खड़ी कर दे, फरेब सोचा न था नाजायज रिश्ते का जाल, नामकरण का बवाल। अवनी एक बार फिर रिश्तों के नामकरण के जाल में फंस रही हैं। अवनी को चक्कर आया और अली ने दिया सहारा तो बवाल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सूप में किसी ने कुछ मिला के दे दिया है। मुझे उल्टियाँ हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मौका मिला और अपने यार को बुला लिया। स्टॉप। और उससे भी अजीब ये कि सासू माँ ने भी बहू पर नाजायज रिश्ते का वो कीचड़ उछाला कि नील बाबू भी पहली बार आ गए इस धोखे के जाल में कि अवनी हो ना हो इस बार जरूर गलत हैं। मैं जब मुझे और अली को लोग ऐसे सब घर वाले देखते हैं कि हम दोनों ऑकवर्ड पोजीशन में हैं, और मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि मुझे इतनी क्या बोलते शक्ति नहीं है। अवनी की सास लगातार अवनी को चक्कर आने की दवाइयाँ दे रही है। प्लान ये है कि अवनी अली के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, ये बात सारे घर में फैलाई जाए और अवनी नील का रिश्ता टूट जाए। आज तक नील ने अवनी को हमेशा सपोर्ट किया है, सो बट मैं देख के शॉक हो जाती हूँ कि इस बार नील भी मेरी बात नहीं सुन रही, नील भी मुझ पे शक कर रहा है। नील जानता है कि अली अवनी से बहुत प्यार करता है, बट नील ये भी जानता है कि अवनी अली को उस नज़रों से देखती नहीं है, बट जब मैं उसे ऐसी सिचुएशन में देखता हूँ दोनों को तो कहीं ना कहीं एक वो आ जाता है दिल में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भाई अपनी खुद नाजायज और जायज के नामकरण के भवंडर में झूल रही हैं, और तो और अब उनके आने वाले बच्चे पर भी ये आरोप लग चुका है। और जरा नील को देखिए कैसे आग उगल रहे हैं आज अवनी पर। लगता है इनका धैर्य भी अब जवाब दे चुका है। When it comes to cases, नील बहुत मैच्योरिटी के साथ केसेस हैंडल करता है, बट जहाँ लव का सवाल उठता है तो प्यार में थोड़ा कमज़ोर है नील। खैर पहले कोई ये बताए कि अवनी प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं कि खामखा अली के साथ इन्हें बदनामी की खाई में झोंका जा रहा है। बस अवनी की हालत सुधर जाए तो वो ही इन आरोपों का सही जवाब दे पाएंगी। तब तक आपको और हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।